इस लेक्चर में हम 10th करिनियल नर्व यानी वागस नर्व की कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये एक मिक्स्ड करिनियल नर्व है। इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल करिनियल नर्व, ये लॉन्गेस्ट करिनियल नर्व है। इसकी वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसे वागस नर्व कहते हैं। अब तमाम करिनियल नर्व से इसकी एक्सेप्शन यह है कि ये हेड एंड नेक के अलावा थोरेक्स और एब्डोमेन के ऑर्गन को भी सप्लाई करती है। जबकि अदर नर्व्स ओनली हेड एंड नेक को सप्लाई करती हैं, और ये हेड एंड नेक थोरेक्स और एब्डोमेन को भी सप्लाई करती है। अब इसको नर्व ऑफ लाइफ कहते हैं बिकॉज इट सप्लाइज द हार्ट। अब इसके फंक्शनल कंपोनेंट देखते हैं। ये सबसे पहले जीवीई जनरल विसरल एफरेंट फाइबर, ये मोटर फाइबर है, और इसके साथ साथ स्पेशल विसरल एफरेंट एसवीई, ये भी मोटर फाइबर है। अब सेंसरी फाइबर जीवीए SVA और GSA, ये सेंसरी फाइबर है। यह जनरल विसरल एफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट और जनरल सोमेटिक एफरेंट, ये सेंसरी फाइबर है। ये रिसीव करते हैं टेस्ट सेंसेशन और जनरल सेंसेशन। अब इसका न्यूक्लियाई देखते हैं। वागस नर्व के तीन न्यूक्लियाई हैं। सबसे पहले है मेन मोटर न्यूक्लियस, अब ये बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस एम्बिगुअस, अपर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एम्बिगुअस। अब ये इस न्यूक्लियस से जाने वाले फाइबर सप्लाई करते हैं कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स, और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स। अब नेक्स्ट न्यूक्लियस है पैरासिंथेटिक न्यूक्लियस, अब इस न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस है डार्सल न्यूक्लियस ऑफ वागस नर्व भी बनाता है। अब ये पैरासिंथेटिक न्यूक्लियस सप्लाई करता है इंट्रिंसिक इनवॉलंटरी मसल्स, इसके एफरेंट सप्लाई करते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। और ये मसल्स हैं ब्रोकाई, हार्ट, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अप टिल डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। अब नेक्स्ट न्यूक्लियस देखते हैं सेंसरी न्यूक्लियस। अब इसमें न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है
न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोल्टेरियस। अब ये न्यूक्लियस रिसीव करता है टेस्ट सेंसेशंस। और ये टेस्ट सेंसेशन आती हैं इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ वागस नर्व। अब ये सेंसरी न्यूक्लियस जनरल सेंसेशन भी रिसीव करता है और ये जनरल सेंसेशंस जाती हैं सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ वागस नर्व। अब इसका पाथवे देखते हैं वागस नर्व का, कोर्स ऑफ वागस नर्व। वागस नर्व के तीन न्यूक्लियाई, इसके तीन न्यूक्लियाई यानी सेंसरी, पैरासिंथेटिक और मोटर न्यूक्लियाई, ये फाइबर देते हैं और वागस नर्व इमर्ज करती है एंट्रोलेटरल सरफेस ऑफ मिडल लॉब। और ये इमर्ज करती है बिटवीन ओलिव एंड इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब ये पास करती है, इट लीव्स द सकल थ्रू जुगलर फोरामेन। अब ये जुगलर फोरामेन दो गैंग्लिया बनाती है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर सेंसरी गैंग्लिया। अब यहां पर बिलो द इन्फीरियर सेंसरी गैंग्लिया इसकी एक्सेसरी नर्व की करेनियल रूट ज्वाइन करती है विद वागस नर्व। अब यहां पर करेनियल रूट बनाती है फेरिंजियल और रिकरंट लेरिंजियल ब्रांचेस। अब ये वागस नर्व डिसेंड करती है इन द नेक। ये नेक में डिसेंड करके कैरोटिड शीथ में एंटर होती है। अलोंग विद इंटरनल जुगलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब यहां पर ये डिवाइड करती है अपनी डिस्टिनेशन को। और अब यहां पर राइट एंड लेफ्ट वागस नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। यहां पर है राइट वागस नर्व, ये लेफ्ट वागस नर्व। अब राइट वागस नर्व थोरैक्स में इंटर करने के बाद ये राइट लंग के लिए, राइट पल्मोनरी प्लेक्सस बनाती है और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इसोफेगस को सप्लाई करती है।
through esophageal plexus. स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करती है, इसलिए इसको कहते हैं पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। अब ये यहां ड्यूडेनम को सप्लाई करती है थ्रू सीलिक प्लेक्सस। नेक्स्ट ये किडनी को सप्लाई करती है डायफ्राम के फोरामेन से पास करने के बाद सप्लाई करती है किडनी को। यहां पर ये राइट किडनी को सप्लाई करती है थ्रू रीनल प्लेक्सस। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस। अब थोरिक्स में एक कार्डिक ब्रांचेस भी देती है अब आते हैं लेफ्ट वागस नर्व पे। लेफ्ट वागस नर्व सप्लाई करती है इसके ऑपोजिट यानी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इसोफेगस थ्रू इसोफेजियल प्लेक्सस। लेफ्ट लंग को सप्लाई करती है थ्रू पल्मोनरी प्लेक्सस। अब स्टमक को की एंटीरियर सरफेस सप्लाई करती है थ्रू एंटीरियर वेगल ट्रंक। अब यहां सबसे पहले ये कार्डियक ब्रांचेस भी देती है। नेक्स्ट ये सप्लाई करती है एओर्टिक प्लेक्सस को, एओर्टिक प्लेक्सस के जरिए एओर्टा को। ये ड्यूडेनम को भी सप्लाई करती है आफ्टर पासिंग थ्रू फोरामेन इन दी डायफ्राम। हेड ऑफ पेंक्रियास को भी सप्लाई करती है। ये थी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका स्केच देखते हैं। अब ये है मिड ब्रेन, ये पॉन्स और ये मिडल्ला और ये स्पाइनल कॉर्ड। अब वागस नर्व इमर्ज करती है थ्रू द एंट्रोलेटरल सरफेस ऑफ मिडल्ला। अब यहां पर ये पास करती है थ्रू जुगलर फोरामेन और नेक्स्ट ये यहां पर दो सेंसरी गैंग्लिया बनाती है सुपीरियर और इन्फीरियर सेंसरी गैंग्लिया। ये सेंसरी गैंग्लिया बनाने के बाद ये रिसीव करती है करेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व यानी 11th नर्व की करेनियल रूट यहां पर ज्वाइन करती है और ये रूट नेक्स्ट सेपरेट होकर बनाती है रिकरेंट लेरिंजल नर्व और फेरिंजल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है टू सप्लाई फेरिंग्स। अब नेक्स्ट ये वागस नर्व जाती है और ये कैरोटिड शीथ में इंटर हो जाती है। अब कैरोटिड शीथ में ये इंटर होने के बाद यहां पर ये इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के साथ पाथवे बनाती है। अब ये इंटर होती है इमर्ज करने के बाद ये थोरेक्स में इंटर होती है और यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है टू डिफरेंट ऑर्गन लंग इसोफेगस और एब्डोमेन में स्टमक किडनी पेंक्रियाज ड्यूडेनम ईटीसी। ये था पाथवे ऑफ वागस नर्व।